हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो सर, जो भी मेरे लास्ट ईयर वाले भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ी सी टेंशन की न्यूज़ है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, जो भी MSBT की तरफ से आज के 10 जून का लास्ट ईयर अपडेट आया है, लास्ट ईयर सर्कुलर आया है ऑफिशियल, उसके बारे में, और जो भी एक न्यूज़पेपर का लोकमत का आर्टिकल वायरल हुआ है कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम होने ही वाले हैं 100%, उसके बारे में बात करेंगे। सो सबको उससे पहले एक रिक्वेस्ट को, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी कन्फ्यूजन और जो भी सब कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना पहले से आप कन्फ्यूजन में और भी कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप ही जो भी आर्टिकल आए उसके तरफ से क्या उसमें क्या बताया है, और जो भी सर्कुलर आया है उसके बारे में बात करते हैं। उस सर्कुलर में बताया गया है कि जिस तरह से 15 मई को एक आर्टिकल आया था UGC की तरफ से, जिसने बताया था कि 9 जुलाई से हम एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाले हैं, उस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने बोला कि हमने जो भी जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे उनको एक चांस दिया जाएगा। तो उनको चांस दिया गया है यहाँ पर 11 तारीख से 15 जून तक, और जो लोगों ने अभी फॉर्म भरे हैं उनको स्टूडेंट को कंफर्म करने के लिए डेट दी है 11 से 16 जून तक, और जो उसके बाद जो भी फाइनल होगा फॉर्म्स का उसको डेट दी है ऑफिस को 16 से 18 जून तक। तो मैं इसमें क्या बताया गया है और इससे क्या आपको दिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो भी एग्ज़ाम की और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी उनकी चल रही है, उन्होंने उसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, मैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको यहाँ पर मैं पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोरी में। तो इस और उसमें और एक बताया कि जो जो लोग फाइनल ईयर को छोड़कर जिन लोगों को इंटरनल के बेसिस पर मार्क्स देने वाली थी और जो भी उनका क्राइटेरिया फिक्स हुआ था उसके हिसाब से भी पूरा काम चल रहा है उनका, और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी होगी उसके बारे में भी उन्होंने अपना पूरा पूरा जो भी काम है उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। किस हिसाब से और किस आर्टिकल के हिसाब से 15 जून को जो भी UGC की गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से हमें बताया गया था कि 9 जुलाई से हम एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसकी तरह उसके ही उनके उन्होंने जो भी गाइडेंस दी थी उसी तरफ से वो एग्ज़ाम लेने की कोशिश और उसकी पूरी भी तैयारी चल रही है। तो आप सब लोग को उन्होंने मुझे पता है कि हज़ारों क्वेश्चन आ गए होंगे कि जैसे कि उदय सामंत जी ने क्या कहा है, CMG ने बोला है कि एग्ज़ाम कैंसिल है, पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ एग्ज़ाम कैंसिल हो, और हर मैक्सिमम लोग चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो, पर मैं एक आपको एक जो रियलिटी बताना चाहता हूँ, अभी तक हमें ऑफिशियल सर्कुलर से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, CMG के बोलने के बाद भी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिली ना, उदय सामंत जी ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर अभी बात करें जो भी बोला था, यहाँ पर देखो अंतिम और सच्ची परीक्षा घेरना रस, इसके बाद जो भी कन्फ्यूजन बहुत सारा बढ़ गया है। तो इसमें क्या क्या लिखा है मैं इसको आपको सिंपल में बताता हूँ। इसमें ये बोला है कि अभी जो उनकी 15 जून को अभी एक मीटिंग भी होने वाली है, और एक बताया जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जे राजेश पांडे जो भी है व्यवस्थापन परिषद सदस्य सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर देखो सद्य परिस्थितीच्या UGC व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या लेखी आदेशानुसार अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याबाबत तयारी सुरू ठेवण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेतला आहे। मतलब जो भी उसकी तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी लास्ट ईयर की एग्जाम लेने की UGC के गाइडलाइंस के अनुसार, और आगे उन्होंने क्या बताया कि कोरोनामुळे झालेल्या परिस्थितीच्या सुधारणा आल्यावर परीक्षा घेतल्या जातील। मतलब यहाँ पर क्या बोला कि कोरोना के जो भी कंडीशन है उससे कंडीशन ठीक होने के बाद हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। और यहाँ पर और एक मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालयीन परीक्षा घेतल्या जातील असे पत्र राज्य शासनाला पाठविले, तर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत अशी घोषणा केली। त्यानंतर परीक्षेच्या बाबत निर्माण झालेला या पेचावर विद्यापीठ व्यवस्थापनाने परिषदेत काय निर्णय होणार यांच्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते। त्यानंतर सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा केली व राज्य शासनाने सर्व विद्यापीठांना प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा वगळून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी लेखी सूचना दिलेल्या आहेत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत घोषणा केली असली तरी त्याबाबत कोणत्याही लेखी आदेश अद्याप विद्यापीठाला प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे शासनाकडून मे महिन्यामध्ये प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा तयारी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आला आहे। विद्यापीठाच्या व विद्यापरिषद व परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत घेणाऱ्या निर्णयास व्यवस्थापन परिषदेत मंजुरी दिली, तसेच परीक्षेच्या कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या वाढीव मानधनाला स्थगिती दिली।
विद्यापीठातर्फे प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात पाठविले, परंतु परीक्षाच घेतली नाही तर त्यानंतर शुल्काची रक्कम परत द्या अशी मागणी काही विद्यार्थी संघटनांकडून केली आहे। मात्र विद्यापीठाकडून या मागणीचा अभ्यास केला जात असून विद्यार्थ्यांनी काही प्रमाणात शुल्काची रक्कम परत मिळू शकते। इससे आगे का ज़्यादा इम्पॉर्टंट नाही, पर मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि हमें उद्धव ठाकरे जी ने तो बोला है हम सबको भी चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो भी ऑफिशियली कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं मिला इसलिए उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर ले। हम मैं भी उससे पहले कहता था कि मैक्सिमम चांसेस और बहुत सारे मैक्सिमम लोग सभी लोग बोलते हैं कि 99% एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस है, पर मैं आपको एक डिसीजन देना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको एक बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ी सी एग्ज़ाम की तैयारी आपके रखना ज़रूरी है। अभी बहुत सारे मन में क्वेश्चन है पर उनको आपके मन से हटा दो, फिर से फिर आपको एक ही आपको सामने रखो, आपने अगर पढ़ाई की तो आपको नुकसान नहीं होने वाला अगर एग्ज़ाम नहीं भी होती, पर अगर एग्ज़ाम हो गई बाई चांस तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आप बोलता हूँ कि अभी थोड़ा सा अभी 15 जून तक मुझे बताएगी इस पर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो क्लियर कर देगा 2-4 दिन में 4-5 दिनों में, तो इस पर क्या ये कन्फ्यूजन, कोई ना किसी तो को तो क्लियर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं तब तक आपको अगर टेंशन आता है तो टेंशन को छोड़ दो, पढ़ाई पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, अगर एग्ज़ाम होती भी है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं भी होती तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरा जो भी टेंशन है आपका, जो भी कोविड-19 की इतनी ख़राब कंडीशन इस तरह से एग्ज़ाम में किस तरह इस कंडीशन में एग्ज़ाम में किस तरह से जाए और कुछ जो भी आपके मन में सवाल है तो इनको स्टॉप कर दो। मुझे बताओ कि कोई भी इस कंडीशन में एग्ज़ाम को देने देने को कोई भी नहीं बोल सकता, सबको पता है, पर अभी देखते हैं उस कंडीशन में अगर एग्ज़ाम लेने को बोलेंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर अच्छी सी कंडीशन में ही उनको लेने के लेना लेना पड़ेंगे, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हमारी ज़िंदगी के साथ। और आपने MBBS वाले स्टूडेंट्स का देखा होगा, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का, उन्होंने डेट्स भी बता दी कि एग्ज़ाम लेने की, उसके बाद उस स्टूडेंट्स ने इतना सारा बवाल खड़ा कर दिया, इतना सारा उस पर वो विरोध किया, सब कुछ हुआ, फिर भी उन लोगों को यही बता दिया कि हम पूरी सेफ और अच्छी कंडीशन में एग्ज़ाम लेने वाले। शायद इस पर अभी ये जो भी कन्फ्यूजन कब क्लियर करेंगे पता नहीं, पर मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि टेंशन मत लीजिए, सिंपल है, आपके हाथ थोड़े पढ़ाई में आप थोड़ा कॉन्सनट्रेट करके रखिए, 2-4 दिनों में आपको पता चल जाएंगे शायद कि कोई ना कोई तो क्लियर कर देंगे इस कन्फ्यूजन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा कि कर देंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।